Check this out, guys. MKC is the trendsetter. Us as a team, we are the trendsetters. So we always set a trend, as you guys have seen before. And look at this beauty. Yeah, it's beautiful. Very good. अच्छा जी, काफ़ी लोगों ने पूछा है कि हमें अपना ड्रिल का यूज़ बताएं। तो ड्रिल जो है वो हमारे, कई लोग कहते हैं जी हमारा वो डंडी ड्रिल में नहीं जा रही, या तो मुंह बड़ा है या छोटा है। ज़ूम कराओ ज़रा। अच्छा, पहले तो आप जो भी ड्रिल लेंगे ना, उसका जो साइज़ होना चाहिए ना, 1/2 होना चाहिए। सही नज़र आ रहा है? बिल्कुल 1/2 का साइज़ होगा। आप इसको खोलते हैं, ये आपकी डंडी है, ठीक हो गया। अब या ये गोल हो या इस तरह की डिजाइन हो, वो दोनों उसमें लग जाएगी। अब गोल वाली भी है, चल। अब ये गोल है, ठीक हो गया। अब ये गोल चली गई, आपने इसको बंद कर लिया। 3/4 का जो मुंह है ना, ये 1/2 है। 3/4 के मुंह में ये डंडी नहीं जाएगी। सही। अब आपने इसको ये किया, इसको लगाया टाइट, हो गई। इसको किया टाइट। अच्छा, अब कई लोगों का डिफरेंट है। मेरा तो जो तरीका है, मैं ऊपर रखता हूँ डोर, ऐसे ये डोर सही ऐसे, ठीक होगा। सही। कई लोग जो है वो डोर जो है वो ऐसे नीचे रखते हैं कि नीचे से आए। मेरा ये कहना है कि अगर आप डोर ऊपर रखते हैं तो आपको पता है कि आप कहाँ हैं, यहाँ हैं, यहाँ हैं, यहाँ हैं, डोर का क्या हिसाब चल रहा है। जब नीचे आ रही होती है ना, पता तो लगता है उस टाइम भी, लेकिन आपके सामने नहीं होता। आपको इस टाइम आपके सामने डोर, आपको पता है कि यहां से मैंने ये इसको यहां लेके जाना, ठीक हो गया। इसका यहाँ पे आ जाता है आपका स्पीड, ये 1 है, 1 नजर आ रहा है। ये नॉर्मल स्पीड है, ठीक है। ये ऐसे है, चेंज किया, 2 नंबर आ गई, बिल्कुल ठीक। ये ज्यादा हो गई स्पीड। अब इसका क्या है देखें, एक और बात, चरखी जब आपने लपेटनी है, ऐसे ऐसे नहीं जाना कि एकदम इधर आ गए एंड पे, एकदम उस एंड पे चले गए। जिग जैग नहीं करना, ठीक। आप चरखी लपेट रहे हैं, अगर आप इधर से इधर जा रहे हैं तो आपने ग्रेजुअली स्लो जाना है, ऐसे 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 करता 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 करता। यहां पे बहुत देर नहीं लगानी, नहीं तो यहां पे चढ़ जाएगी ऊपर और उछल जाएगी। अब ये देखें, स्लोली जाऊंगा, एक पिक है, ऊपर आ रहा हूं आहिस्ता आहिस्ता। अब मैं वापस जा रहा हूं नीचे आहिस्ता आहिस्ता। अगर मैं ऐसे ऐसे करूंगा खराब हो जाएगा, जिगजैग हो जाएगा, वो पेचे में अड़ जाएगा, फायदा कोई नहीं। ये किया, ठीक है। ये आपकी चरखी, नीचे तनपोश है ऑरेंज वाला, तो चरखी आपकी ऐसे लिपटेगी अगर आप ऐसे करेंगे, वो ऐसे ही लगेगा कि बिल्कुल सही जड़ी ना, वो कारीगर ने लपेटी। एक्सेलेंट हो गया, ठीक हो गया ना। अच्छा, अब इसका बस मेरे ख्याल से ये ड्रिल का तो यही है। अब हम यूज करते हैं 18 वोल्ट की, लाइट भी है, 2 बैटरियां आती हैं इसकी, हर जगह से मिल जाती, पाकिस्तान से भी मिलती हैं ड्रिलें। तो जो लाइट हो वो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि चरखी भारी होती है, ड्रिल भारी हो तो वो आपका बाजू थक जाएगा जल्दी। और दैट्स इट।
टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताते रहेंगे साथ साथ। जी पहले गल हो रही थी इतने मलिक साहब ने कहा कि एक्सप्लेन किया जाए कि अजकल जो पतंगा आ रही ने वह आ रही ने साढ़े पांच पतंग है इस टाइम अजकल के टाइम। लेकिन साड़ी गल हो रही है कि असी पहले जमाने के मलिक साहब ने दसिया उन्हें एक्सप्लेन करेंगे कि यह पहले टाइम की पांच अच्छा हो अब इस टाइम हाँ मतलब कि हाँ फेमस है कि यह साढ़े पांच का है। लेकिन यह साढ़े पांच की हम दसो जी मलिक साहब किस तरह की तरीका है नापन का कि पतंग चार गिठी है साढ़े चार है पांच है साढ़े पांच है फर्मा छोटा कर दिया फर्मे छोटे करते नाम जो हर पतंग गिट के देख लो अद्धी गिट जी घट हो पतंग किवें लंबी करनी है तो बस लंबी करता जाना ते एनी पेचा बराबर कर लेना ना तुम्हारा नुकसान ना साडा नुकसान। सही है।